गोपालगंज दोरीघाट पुल के हालात को देखें। अब इस पर चलना खतरे से खाली नहीं। बहलगंज दोरीघाट का पुल का चलने वाला फुटपाथ आज सुबह भरभराकर अपने आप गिर पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इस पुल के गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस पुल पर आने जाने वालों के लिए अभी भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक रूप से इस पुल पर किसी भी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं। जहां एक ओर प्रदेश की योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पर दोरीघाट बहलगंज का यह पुल विकास के दावों पर किस आधार पर फिट बैठता है, यह सब आपके सामने है। प्रशासनिक लापरवाही का यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अब तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया। एक युवक ने समझदारी दिखाते हुए उस पर लाल रंग की पट्टी को बांध दिया, जिससे आने जाने वाले देख सकें। सुनकर है दोरीघाट घर हमारा है, हम अभी जा रहे थे बड़गंज के लिए दोरीघाट से, देखे पुल टूटा हुआ है, तो हम देखे तो फिर आपको हैरान लगा देखने में। मैं सोचा कोई ऑटो से आएगा तो गिर जाएगा, इसीलिए मैं इसको लाल धागा लाया खरीद करके और बांध दिया इसको, ताकि कोई गिर ना सके। और जो है मान लिया अभी तो दिख रहा है, अभी कोई रात में आएगा तो आदमी गिर सकता है इसके अंदर, इसीलिए मैं इसको बांध दिया।